मैं कृष्णानगर थाने से अपने घर के लिए जा रहा था। आलमबाग नहरिया चौराहे पे ग्रीन लाइट थी। उसके बाद मैंने गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ाई, ट्रैफिक बहुत था, फिर रेड लाइट हो गई। यातायात का पालन करते हुए मैंने अपनी गाड़ी को रोक दिया। राइट साइड से महिला एक क्रॉस कर रही थी ग्रीन लाइट पे। क्रॉस करने के बाद फिर वो वापस मुड़ के आई। उसने मेरे गाड़ी से मोबाइल निकाला, तोड़ दिया। जब तक मैं बाहर आया, मैंने उससे पूछा मेरी क्या गलती है, कुछ नहीं बोली। फिर दोबारा उसने तोड़ा, 4-5 बार मोबाइल पूरा डैमेज कर दिया मेरा। फिर पुलिस प्रशासन खड़ा था, उसने भी कुछ नहीं एक्शन लिया। मैं सिर्फ यही चिल्ला रहा था कि महिला पुलिस बुलाई जाए, ये मुझे क्यों मार रही है। आपकी गाड़ी के बगैर भी नुकसान किया था उसने, जी, जो वीडियो वायरल हुआ उसमें गाड़ी आपने का भी देखा। नुकसान हुआ है, चार दोनों मिरर ख़राब करे हैं, और मेरा मोबाइल और मेरा पैसा था उसमें, वो भी उसने निकाला है। लगभग कितने का नुकसान हुआ था? 600 रुपये गाड़ी में कैश रखे थे, क्योंकि ओला ड्राइवर की इतनी हैसियत होती नहीं कि बस इतना ही कमा सकता है। उसके बाद क्या हुआ, उस घटना के बाद फिर पुलिस का क्या रवैया रहा? क्या आप थाने पहुंचे या आपके खिलाफ भी कोई शिकायत कराई गई थाने में? थाने पे जब हमें ले गए तो हमने बोला, साहब मेरी क्या गलती है, मुझे आप छोड़ दीजिए। लेडीज़ का पक्ष लिया गया, उसकी रिपोर्ट लिखी, मगर मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे वकील साहब हैदर साहब और रियाज साहब ने हमें छुटवाया। तो कौन कौन सी धाराओं में पुलिस ने आप पे मुकदमा लिख दिया था? 151 और भी धाराएं बता रहे थे कि क्या तू आपके साथ कोई किसी और को भी घटना में उन्होंने बताया था कि और नहीं, कोई नहीं था। असल मेरी गाड़ी खाली थी, खाली? मैं अपने घर जा रहा था। तो उसके बाद ये उन्होंने मुकदमा, फिर आज आपने कैसे ये मुकदमा लिखवाया, किस तरह से आपने फिर प्रोसीड किया? क्योंकि आपने बताया जैसे आपकी शिकायत नहीं सुनी और आपके लिए मुकदमा भी लिख दिया, क्या आपको जेल भी भेजा गया था? जेल नहीं भेजा गया था, थाने में बंद कर दिया था और जेल में डाल दिया था। वो जो थाने की जो होती है उसी में, रेजिम उछल के पे हाँ, बैठा गया। और खाना पीना मुझे नहीं मिला, 24 घंटे में रहा हूँ। उसके बाद फिर आगे कैसे कार्रवाई? अभी आप दोबारा थाने का कैसे पहुंचे, कैसे आपने महिला के ऊपर FIR करवाई? ये हमारे वकील साहब बैठे हैं, इनसे पूछिए, ये बताएंगे। कब करवाई? आज कल कल मैं करवाई? छूट के आया, फिर मैंने वकील साहब के पास गया। हमारे रियाज साहब वकील हैं। तो अभी पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं या आप क्या चाहते हैं कि अभी और क्या उस वक्त की जो पुलिस का रवैया था, क्या आप उससे भी नाखुश हैं? क्या चाहते हैं कि उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई हो? मैं ये चाहता हूँ मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट जो मुझे मेरी ख़राब हो गई है, वो मुझे इज़्ज़त चाहिए। और मेरी गाड़ी का जो नुकसान हुआ है, जो भी कुछ हुआ, वो मुझे दिया जाए। और बस।